हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं जिसकी मदद से आपके टिकटॉक वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दे रखे है, काइन मास्टर, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मी पे आना है, और मी पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। इस प्रोफाइल का आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद सिंपल से फिर से हम होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद जिस वीडियो के साथ आपको दिखाना है वो वीडियो का आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, इसके बाद लाइक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपल आपको अदर पे क्लिक करना है। ठीक है, बस इतना ही आपको दिखाना है। दिखाने के बाद इसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, इसके बाद जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए थे वीडियो को, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, इसके बाद मीडिया पे आना है, के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट इमेज लिए थे उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको इक्वल कर देना है, तो इमेज जो आपको छोटा बड़ा हो रहा था आपको छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आना है, वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कैंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद आगे की तरफ लेकर आएंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक किया, इसके बाद हमें लाइक पर क्लिक किया, इसके बाद शेयर पर क्लिक किया, और इसके बाद अदर पर क्लिक किया। सिर्फ यहीं तक का सीन चाहिए। इसके बाद वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे, और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, लेयर पे आएंगे, ओवरले पे आ जाना है, और इस पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट आपको यहाँ पे कर देना है। एडजस्ट करने के बाद डन करना है। इसके बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, फिर से हमें ओवरले पे आना है, और इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल इसे हम जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है, और इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को, आप जो भी है आपको एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा वीडियो प्ले हो चुका है। तो जैसे हम लाइक पे क्लिक किए, इसके बाद शेयर पे क्लिक किए, इसके बाद अदर पे क्लिक किए, जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो राइट साइड का हमारा पार्ट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 16:9 का रेशियो ले रखा हूँ। तो आपको यहाँ पर रेशियो जब सेलेक्ट करेंगे तो 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपल सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 3720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक साउंड लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो का साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो आपका वीडियो जो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का